संहिता लगते ही प्रशासन ने कसी कमर। आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह लगे राजनीतिक दलों के पोस्टरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं आज जिला कलेक्टर में कलेक्टर द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें चुनाव संबंधित जानकारियां दी गई। संपूर्ण जिले के लाइसेंस रद्द किए जाने की बात भी कही गई और कहा कि जो भी लाइसेंस धारी है वह अपने शस्त्र थाने में जमा कराए। और जो 144 के आदेश है, मैं एक ही वेबकास्टिंग के विषय पर बताना चाहता हूँ। पिछले दफा लगभग 17 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग किया गया था। कुल हमारे जैसा कि बताया 1077 मतदान केंद्र है, तो हमारा इस बार भी प्रयास रहेगा कि न्यूनतम 10% मतदान केंद्रों पर करने वाले जो कार्य हैं उन पर रोक लगाते हुए कार्रवाई करी जा रही है। साथ ही साथ इसके कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है उनको सक्रिय कर दिया गया है। स्टैटिक स्क्वाड और नाकों को हम सक्रिय कर रहे हैं। यह सब कार्यवाही तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों को अपने संबंधित थानों में जमा करवाने का आदेश जारी किया गया है, तो उसके अनुसार भी कार्यवाही तत्काल संपादित करी जा रही है। सर, दल जो बुलाया गया है, पहले 4 पार्टी थी, अब 5 हो गई है, ऐसा ये संभावित एक संख्या है और इसका कारण यह है कि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि होती है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से लोग मतदान कर सकें। सर, प्रशासन की टीमें आज ही रवाना हो गई, इस तरीके से लेखन है या पोस्टर बैनर, तो वो किस तरीके से प्रशासन की स्थानीय स्तर की जो टीमें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करें।